मकामी होटल कराची में सर सैद मेडिकल कॉलेज का सालाना कन्वोकेशन हुआ। ये कन्वोकेशन 2018 से लेकर 2022 तक का था, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से इनके कन्वोकेशन मुलतवी हो गए थे। इस कन्वोकेशन के मेहमान खसूसी कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी साहब थे, डॉक्टर अमजद सिराज मेमन भी इसके वाइस चांसलर थे, वो भी इसके गेस्ट थे। इस कन्वोकेशन में कई डॉक्टर्स को MBBS की और BDS की ख्वातीन को, क्योंकि सर सैद मेडिकल कॉलेज जो है ख्वातीन का कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, उन सबको असनाद तकसीम की गई, उनको डिग्रियां दी गई। आइए हम आपको इसकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो इस बात से मुतमईन हैं कि सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने JSMU के तआवुन से अपने अहदाफ और मकासद के हुसूल के लिए भरपूर कोशिश की है, जिसमें वो कामयाब रहे हैं। उन्होंने इस अमर पर भी खुशी का इजहार किया कि SSCMS के 12 ग्रेजुएट्स ने पहले ही अटैम्प्ट में FCPS के पहले मरहले में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने तलबा और खुसूसन तालिबात पर जोर दिया कि मरीजों और बिलखसूस ख्वातीन मरीजों के इलाज पर हमदर्दी से तवज्जो दें और दिलजोई करें और हर तरह से तिब्बी सहूलतें बहम पहुंचाने की कोशिश करें। तिब्बी तालीम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना समझें, बल्कि नादार और गरीब मरीजों के साथ बेहतरीन सलूक रवा रखें और बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलतें मुहैया करें। कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद एम इराकी ने अपनी तकरीर में कहा कि सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज सन 1998 में सिर्फ लड़कियों के लिए कायम किया गया था और सन 2006 में इस कॉलेज का इल्हाक कराची यूनिवर्सिटी से किया गया, ताकि इस खित्ते की तालिबात को दोस्ताना माहौल में तिब्बी, रूहानी और फिक्री तालीम हासिल करने के लिए बेहतरीन सहूलत और जगह मुहैया की जा सके। उन्होंने पास आउट होने वाले नए ग्रेजुएट्स पर जोर दिया कि वो पेशा वराना तौर पर अपनी अखलाकी जिम्मेदारियों को भी समझें और मरीजों से दोस्ताना और इंसानियत का बर्ताव करें। मुआशी तौर पर कमज़ोर और नादार मरीजों के साथ भी बराबरी की तवज्जो दें और बेहतरीन इलाज के मौके फराहम करें। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल, ब्रिगेडियर और चेयरपर्सन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम खान, मिसेस अफजल बेगम और प्रोफेसर नादिया अजीज़ अधर ने भी शुरका से खिताब किया। इस तकरीब में मारूफ डॉक्टर्स और फैकल्टी मेम्बरान और प्रोफेसर जमान शेख, प्रोफेसर इकबाल मेमन, डॉक्टर कैसर सज्जाद, प्रोफेसर HR सुखिया और प्रोफेसर गुलाम महबूब भी मौजूद थे। सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिसका मकसद मेडिकल और डेंटल की तालीम में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करना है, जो खसूसी तौर पर ख्वातीन मेडिकल की तालिबात के लिए और मजमूई तौर पर मेडिकल के 60% पर मुश्तमिल है। सर सैयद कॉलेज गुज़िश्ता कई सालों से तिब्बी तालीम फराहम करने की खिदमात अंजाम दे रहा है और अब तक MBBS के 18 बैजेस इस कॉलेज से फारिगो तहसील हो चुके हैं। फी जमाना ज़रूरत इस अम्र की है कि नस्ल नौ को दुरुस्त समत में रहनुमाई की जाए, ताकि उनकी तवानाइयां, वलवला, जोशो खरोश और ख़ुद एतमादी रोशन मुस्तकबिल के लिए एक सरमाया